मेरा अस्तित्व और मेरा वजूद वो खुद उस दिन मैंने खुद से ज्यादा अपनी पापा की नजरों में देखा मानो मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद हो जहां उठते बैठते सोते खाते जिससे जहां मिलो बिना हाय हेलो, एक सवाल मेरे कानों में गूंज सा रहा था यार तू शादी कब करेगी यार तू शादी कब करेगी अब भला इन्हें कौन समझाए कि मुझे कौन सा संन्यास लेना है बस किसी अपने की तलाश है मेरे लिए जॉब इंटरव्यू और शादी लगभग सेम है जहां कैंडिडेट के प्रोफाइल और पैकेज के थ्रू आप सिलेक्ट होते हो रिजेक्ट होते हो ठीक है और रिजेक्शन का प्रोसेस प्रोसेस लगभग सेम या या तो आप रिजेक्ट रिजेक्ट करो या सामने वाला आपको कर देगा इसी रिजेक्शन के प्रोसेस में मेरी मुलाकात और ये बात एक सही बंदे से हुई मानो हमारी पहली बातें कुछ ऐसे हुई जैसे बिछड़े पुराने दोस्त आज मिले हो और बैठ के यारों की बातें कर रहे हो उसके पास शादी की कोई चेकलिस्ट नहीं थी यार खाना बना लेती हो टिक मार्क वीकेंड पे कहा जाती हो टिक मार्क और काम कुछ आता है टिक मार्क ऐसा कुछ नहीं था ये रिश्ते सिर्फ दोस्ती से पनप रहे थे और फिर छोटी छोटी बातें कैसे लंबी होती चले गई कि कुछ एक हफ्ते यूं ही बीत गए और मानो पता ना चला पर उसने इजहार किया था उसने इजहार किया कि मैं हूं इंट्रोवर्ड मैं ज्यादा किसी से यूं बात नहीं करता पर तुम पहली बंदी हो जिससे इतनी लंबी बातें चल रही है और कुछ बातें बोली नहीं जाती एहसास होता है वो एहसास था हमारे बीच वो एहसास था वो ट्यूनिंग थी सब कुछ परफेक्ट था बट समय और किस्मत कब साला मात दे देना पता नहीं चलता एक दिन अचानक पापा के साथ मैं चाय की चुस्की ले रही थी कि सुबह सुबह एक कॉल आता है पापा का मोबाइल इज अ लाउड स्पीकर पब्लिक लाउड स्पीकर पापा ने बड़ी शिद्दत से फोन उठा के नमस्कार कहा और पूछा भाई साहब आप कैसे हैं वहां से जवाब आता है मैं अच्छा हूँ कुछ एक चंद सेकेंड की बातों के बाद उनका एक सवाल आता है लड़का लड़की तो एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं अब बत, आप बताइए कितना लगा सकते हैं अब आप बताइए कितना लगा सकते हैं पापा की नजरें कुछ मेरी और उठी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से जवाब दिया कि लगाने को तो भाई साहब अब जितना बोले उतना लगा सकता हूं बट देने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी है जो मेरा गुरूर है वो एक पल मेरी आंखें नम सी हो गई और पापा के फोन रखते मैंने उनको जाके जकड़ लिया और बहुत धीरे से पूछा क्या लड़कियां नीलामी के लिए होती है क्या लड़कियां बिकाऊ होती है उस एक रात ना उनके पास कोई जवाब था और ना मेरे पास बोलने के लिए कोई सवाल बस मन में एक बेचैनी सी थी कि मैं बिकाऊ तो नहीं मां बाप बेटी को जन्म देते हैं और बहुत खुश होते हैं पर दुख वो, दुखी भी होते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि इस बेटी को दुनिया के हर वो आग से निकलना होगा जो शायद इतना आसान नहीं पर मैंने अपने मन में बात ठान ली थी कि मैं नीलामी की वो चीज नहीं तो मेरा मोल ही क्या जब मैं नीलामी की वो चीज नहीं तो मेरा मोल ही क्या जो दहेज मांगे भला अकेला मर्द भी क्या वो तो भला अकेला मर्द भी क्या कुछ इसी तरह दो चार दिन तक मेरे घर सन्नाटा सा छाया रहा ना किसी ने मुझसे कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया बट बत जह में एक सवाल बहुत खटक रहा था हम तो अच्छे दोस्त थे ना फिर क्यों फिर उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा हिम्मत जुटा के मैंने उसे एक मैसेज किया मैंने उससे पूछा हाई वी हैव डिसाइडेड दैट वॉट इट मे बी विल बी वेरी क्लियर आई वुड अप्रिशिएट स्टेटस उसका कुछ कुछ चंद सेकेंड बाद ही जवाब आया मुझे बोला हाय तुम मेरे परिवार वालों को समझ नहीं आई मैंने बड़ी लंबी सांस लेके जवाब लिखा जनाब अब की बार बाजार में नीलामी के लिए जब उतरो बार बाजार में नीलामी के लिए जब तुम उतरोध तो के जरूर जाना वरना बिक नहीं पाओगे संसार में वर्ना बिक नहीं पाओगे समाज में पूरा देश ये नारा लगा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर समाज की असलियत तो ये है यार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पढ़ी अड़ी लिखी बड़ लड़की को बिकाओ फिर थैंक यू